हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन आज के अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन ये बेसिकली करंट फ्लो से रिलेटेड एक फिनोमिना है जिसे हमें अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से uh, पढ़ना होगा और ये सब डिस्कशन करने का जो रीजन है वो ये है कि अब तक जो हमने इलेक्ट्रोसिटिक uh, फील्ड पढ़ा है या उससे रिलेटेड uh, जितने भी पैरामीटर्स पढ़े हैं पोटेंशियल डाइपोल मोवमेंट ये सब हमने फ्री स्पेस एनवायरमेंट में कंसिडर करके पढ़े हैं और उसी हिसाब से हमने अपना जो भी रिलेटेड फार्मूलाज था वो स्टडी किया है अगर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ एग्जिस्ट कर रहा है उसका सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है वो फ्री स्पेस ना हो के कोई डाइलेक्ट्रिक मटीरियल हो या कंडक्टर मटीरियल हो तो किस तरीके से हमारे सारे जो पैरामीटर्स है वो मॉडिफाई हो जाएंगे उन सबको पढ़ने के लिए अब हम जनरलाइज्ड मटेरियल बिहेवियर को पढ़ना शुरू करते हैं कि कोई भी एक मटेरियल जो है वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में किस तरह से रेस्पॉन्स करेगा या अगर आप उसमें चार्ज क्रिएट करते हैं उस पर्टिकुलर मटेरियल में तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्टर्बेंस है वो किस तरीके से फाइनली कंक्लूड होगा तो उन सब मैटर्स को डिटेल में पढ़ने के लिए हम शुरू करते हैं अपना बेसिक डिस्कशन विद द डिस्कशन ऑफ करंट फ्लो कंटिन्यूटी इक्वेशन को पढ़ने से पहले हम करंट क्या है कंटिन्यूटी इक्वेशन बेसिकली हमारे करंट फ्लो के डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंटेशन uh, है तो इसको हम पढ़ते हैं उससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि बेसिकली करंट क्या है अगर हम करंट की बेसिक डेफिनेशन डिफाइन करें तो करंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई और स्मॉल आई अभी के लिए हम स्टैटिक करंट की बात कर रहे हैं अगर तो हमारा जो करंट है दैट इज रेट ऑफ चार्ज फ्लो आप इसे डेल्टा बाय डेल्टा टी की फॉर्म में भी नोटेशन दे रहे हैं ये आपका कुलाम पर सेकेंड इज डिफाइंड ठीक अभी हम जब इसको कंसिडर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं हमारे पास एक जनरल सैंपल है ये सैंपल किस मटेरियल का बना है किस मीडियम में रखा है इसके बारे में अभी हम नहीं कंस... चर्चा करते हम केवल ये सोच रहे हैं कि इसमें से स्पेसिम इस इस स्पेसिमेट में से अगर डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम में फ्लो होता है तो इस स्पेसिमेन में से फ्लो होने वाली जो करंट है वो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी होगी और यूनिट ओके okay? ये है आपका चार्ज फ्लो रेट को आपने करंट बोला दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो इससे रिलेटेड है और हमें पढ़ना होगा दैट इज करंट डेंसिटी करंट डेंसिटी इसे जे से सिंबल दिया गया है ठीक और करंट डेंसिटी का जो डेफिनेशन है वो है जे इज करंट फ्लो विथ पर यूनिट एरिया इसी एरिया से अब अगर आप इसका एक पर्टिकुलर एरिया कंसिडर करेंगे तो उस सरफेस एरिया से कितनी करंट फ्लो हो रही है उससे आप करंट डेंसिटी बोलेंगे और इसकी यूनिट रहती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ओके तो करंट डेंसिटी इज करंट फ्लो पर यूनिट सरफेस एरिया ओके इसे आपने बोला करंट डेंसिटी के फॉर्म में अगर आप इसे लिखें करंट डेंसिटी को अगर आप डिफरेंट फॉर्म में लिखें तो आप इसे लिख रहे हैं डेल्टा आई बाय डेल्टा एस ओके डेल्टा आई को आप लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी ये है आपकी करंट का रिप्रेजेंटेशन और ये डेल्टा एस आपका एज इट इज ओके अगर आप डिफरेंशियल चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डेल्टा क्यू विल बी चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू डिफरेंशियल वॉल्यूम इसे कैपिटल से लिखें आगे कंफ्यूजन ना हो सिंबल में दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड डिफरेंशियल वॉल्यूम इसे आप लिख सकते हैं रो वी डेल्टा एस डेल्टा एल ओके अगर ये सरफेस डेल्टा एस है और डेल्टा एल लेंथ ठीक अगर ये आप कंसिडर कर रहे हैं करंट डेंसिटी के कैलकुलेशन के लिए तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा क्यू का रिप्रेजेंटेशन अगर आप इसमें ले लेंगे तो आप जे को लिख सकते हैं जे कैन बी रिटर्न एज डेल्टा एस डेल्टा एल बाय डेल्टा एस डेल्टा टी ओके डेल्टा एल बाय डेल्टा टी चार्ज डेल्टा एल लेंथ डेल्टा टी टाइम में क्रॉस कर रहा है तो ये क्या हो गया डेल्टा एल बाय डेल्टा टी जो है वो है चार्ज की वेलोसिटी बेसिकली करंट कब एग्जिस्ट करेगी जब चार्ज फ्लो कर रहा है इट मीन्स चार्ज इज मूविंग समवेयर आपका चार्ज मूव कर रहा है मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी होगी अगर आप इस डेल्टा एल बाई डेल्टा टी को वी बोलते हैं तो जे को आप लिख सकते हैं रो वी एंड नेट वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज फ्लो यह है आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और यह है आपकी चार्ज वेलोसिटी ओके तो यहाँ पे ये जो आपने फिनोमिना डिस्कस किया है जिसमें आपने करंट डेंसिटी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है ये जनरली आपकी कन्वेक्शन करंट कहलाती है यहां पे हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि किसी भी वजह से चाहे आपने चार्ज डेंसिटी का डिफरेंस क्रिएट किया है कहीं पे आप चार्ज इस मटेरियल में पोर कर रहे हैं अगर आप चार्ज चार्ज पोर करेंगे तो चार्ज की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आ, डिफर करेगी और चार्ज फ्लो होना शुरू होगा टू मेक अक्वलिबरियम बनेगा आप अगर स्पेसिमेन के एक आ, आ, हिस्से से या एक साइड से अगर आप उसमें चार्ज इंड्यूस कर रहे हैं तो वो चार्ज फाइनली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा उस स्पेसिमेन में तो ये जो करंट है जो किसी भी वजह से चार्ज फ्लो के फिनोमिना की एग्जिस्टेंस की वजह से जनरेट uh, होती है इसे आप कन्वेक्शन करंट बोलते हैं ठीक अगर आप इस यहाँ पे रीजन था कि किसी तरीके से चार्ज uh, कैरियर जो है उनकी कॉन्सेंट्रेशन में आपने कुछ डिफरेंस क्रिएट किया या चार्ज uh, आपके बिना किसी एक्सटर्नल uh, एक्साइटेशन के फ्लो हो रहे आपने उसे कन्वेक्शन करंट बोल दिया अगर ये स्पेसिमिन किसी एक्सटर्नल पोटेंशियल सोर्स से आप जोड़ दिए जाते ठीक है जो पोटेंशियल सोर्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है ई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में अगर आप इसे ले आते हैं ठीक तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज फ्लो क्रिएट करेगा और जो करंट फ्लो होगी उसे आप कंडक्शन करंट बोलते हैं अगर आप इसे एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं तो आप उसे कंडक्शन करंट बोलेंगे ओके okay? और कंडक्शन करंट में कंडक्शन करंट की केस में जो वेलोसिटी ऑफ चार्ज है मोबिलिटी ऑफ कैरियर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय दिस एक्सटर्नल सोर्स अगर आप और इस वेलोसिटी को फिर आप वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं ओके okay? ये जो सारा फिनोमिना है ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं ये कन्वेक्शन करंट थी कन्वेक्शन करंट के फॉर्म में अगर आप इसे सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं तो जो आपकी करंट होती है वो आ जाती है आपकी कंडक्शन करंट ओके और कंडक्शन करंट के फॉर्म में उस केस में जो कैरियर की वेलोसिटी रहती है दैट इज वी डी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू ई म्यू इज द मोबिलिटी ऑफ द कैरियर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय कंडक्शन करंट के केस में आपकी जो जे है दैट विल बिकम रो वी और वी को हम लिखेंगे वी डी म्यू ई म्यू ई ड्रिफ्ट होना मीन्स यू आर फ्लोइंग अंडर अ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो ड्रिफ्ट आपका शुरू हो जाता है एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल सोर्स के इन्फ्लुएंस में अगर आपकी करंट फ्लो होगी तो करंट डेंसिटी आप इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे ये है आपकी चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर हमें अभी नहीं पता है कि ये स्पेसिमेंट का टाइप क्या है इस स्पेसिमेंट में अगर एन फ्री चार्ज कैरियर्स पर सेंटीमीटर क्यूब अगर अवेलेबल है एन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर सेंटीमीटर क्यूब अगर आपको गिवन है एन इज द नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स अगर ये सेमीकंडक्टर है तो इसमें होल और इलेक्ट्रॉन दोनों आप कंसिडर करते हैं अगर ये आपका कंडक्टर है तो आप इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करते हैं अगर इस इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप कंसिडर करें या आप कंडक्शन करंट को कंसिडर करें तो उसमें आप रो वी को आप एन क्यू भी लिख सकते हैं ये क्या है चार्ज डेंसिटी कूलाम पर मीटर क्यूब यह है आपके नंबर ऑफ फ्री कैरियर्स पर मीटर क्यूब टू क्यू अगर आप उस चार्ज पार्टिकल के क्यू को भी कंसिडर कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका गुलाम पर मीटर क्यूब रोवी को आप लिख सकते हैं एन क्यू इस केस में जब आप जे को डिफाइन करेंगे तो जे क्या हो जाएगा जे विल बी एन क्यू म्यू ये क्या हो गया जब आपने एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई किया आपकी जो करंट डेंसिटी थी जो जनरल करंट डेंसिटी थी वो इस तरह से मॉडिफाई हो गई है यहां पे ये जो एन क्यू म्यू है इसे आप सिग्मा भी बोलते हैं सिग्मा और ये कहलाती है किसी भी कंडक्टर की कंडक्टिविटी आप इसे लिख सकते हैं सिग्मा ई ये जो आपका जे है ये आपका सिग्मा ई हो जाएगा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के इंफ्लुएंस में आपका specific, आ, आपने जो सैंपल है वो रखा है ये है आपकी कंडक्टिविटी और इसका जो यूनिट रहता है वो रहता है मो पर मीटर अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी मटेरियल कैसे रेस्पॉन्स करेगा उस इंफ्लुएंस में कितनी करंट फ्लो होगी कितना ईज ऑफ कंडक्शन रहेगा दैट इज ऑल गेम ऑफ दिस कंडक्टिविटी जिसकी यूनिट मोह पर मीटर है ये अगर आप कंडक्टर के केस में अगर आप कंसिडर करें तो इट्स इन द वेरी हाई रेंज टेन रेज टू पावर सेवन की रेंज में आपकी कंडक्टिविटी होती है तो आप उसे कंडक्टर बोल देते हैं अगर कंडक्टिविटी इज लेस देन वन तो आप उसे इंसुलेटर एंड वन बाय सिग्मा रो, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी एंड जितनी रेजिस्टिविटी ज्यादा है उतनी ही कंडक्टिविटी कम है और मटेरियल रेजिस्ट कर रहा है एक स्मूथ करंट फ्लो को स्मूथ चार्ज फ्लो को ओके okay? कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं और ये जो रेजिस्टिविटी है आप इसको ऐसे बोले कि अगर ये रजिस्टिविटी आप डिफाइन करें तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये रेजिस्टिविटी बढ़ती जाती है या ऐसे कहें कि जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा ये रेजिस्टिविटी कम होती जाती है कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो बहुत कम ऑलमोस्ट जीरो डिग्री केल्विन के आसपास जीरो रेजिस्टिविटी या इनफाइनाइट कंडक्टिविटी भी रिफ्लेक्ट करते हैं और इस तरह के मटेरियल्स को हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं और इसके एग्जाम्पल आप एल्यूमिनियम को कंसिडर कर सकते हैं लेड को कंसिडर कर सकते हैं ठीक है तो ये रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी ये सब आपको आता है अगर हम अब ये जो हमने स्पेसिमेन लगाया था ये जो आपने सिंपल स्पेसिमेन अटैच किया था ये स्पेसिमेन अगर आप एक इस तरह से ए क्रॉस सेक्शनल और ए क्रॉस सेक्शन एरिया और एल लेंथ का अगर आप मेटेलिक वायर ले लें और उसको अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में जोड़े पोटेंशियल uh, जो V पोटेंशियल लगाए और इसमें अगर I करंट फ्लो हो रही हो तो आप किसी मेटल का रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं R equals to V by I. ठीक और इसका सेकेंड uh, जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज रो L by A ए रो इज द रेजिस्टिविटी L इज द लेंथ ऑफ वायर A इज द सेक्शन ऑफ वायर विद द यूनिट ऑफ ओम इसे ओम्स लॉ बोलते हैं ओके okay? नो ये आपके डिफरेंट बेसिक्स हैं जो आपको आप नेटवर्क थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं आपने जब सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ी है तो भी हम इसी के साथ अपना डिस्कशन शुरू करते हैं तो हमने आज इसको फटाफट से एक क्विक रिवीजन इसको दे दिया है इस बेसिक कंसेप्चुअल डिस्कशन के बाद हम आते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन में कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन स्टेट्स दैट आप किसी भी तरीके से कहीं पे भी एक इंडिविजुअल चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हाँ आप साइमल्टेनियसली इक्वल अमाउंट के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को जनरेट कर सकते हैं सेपरेशन से या वो इक्वल अमाउंट के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रॉय हो सकते हैं बाय रिकॉम्बिनेशन इक्वल और अपोजिट अमाउंट का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ जनरेट और एक साथ डिस्ट्रॉय हो सकता है लेकिन आप इंडिविजुअल यूनिट या किसी अमाउंट के चार्ज को जनरेट uh, और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते अगर आप एक सिंपल क्लोज सरफेस को कंसिडर कर रहे हैं तो करंट थ्रू द क्लोज सरफेस आई विल बी सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डीएस ये हमारी करंट डेंसिटी अगर जे डॉट डीएस करेंगे तो आप टोटल करंट कंसिडर कर रहे हैं हम ऐसे मान रहे हैं कि हमारा जो हमने स्पेसिमेन कंसिडर किया है उस स्पेसिमेंट से अगर करंट आउटवर्ड कंडीशन आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रही है तो चार्ज ना जनरेट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है अगर बाहर की तरफ करंट जा रही है इसका मतलब स्पेसिमेंट इस में आपका पॉजिटिव चार्ज कम होगा आई विल बीक्वल्स टू माइनस डी क्यू बाई डी टी जितनी करंट फ्लो होगी उतना ही चार्ज डिक्रीज होता जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट बिट कंफ्यूज हो सकते हैं कि आई आपने डी क्यू बाई डी टी लिखा है I जो है उसका अमाउंट जो है वो सिंपली रेट ऑफ चार्ज फ्लो ही होता है यहाँ पे हम ये फिनमिना मान रहे हैं कि करंट हमारे आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है अभी हमने हम उसमें चार्ज का कंटिन्यूस फ्लो ना कंसिडर करके हम ऐसे मान रहे हैं कि उससे बाहर ही जा रही है अगर सरफेस से बाहर करंट जा रही है तो हमारा सरफेस जो हमने कंसिडर किया है उसमें चार्ज कम हो रहा है ओके okay? तो उस डर उस कंडीशन में आप ये रेट ऑफ चार्ज डिक्रीमेंट के लिए हमने ये माइनस साइन लगाया है ये आपके बेसिक जो आपने नेटवर्क थ्योरी में या जनरलाइज हम रेट ऑफ चार्ज फ्लो पढ़ते हैं उससे ये आप कंफ्यूज ना होइएगा सिंपल इफ करंट इज कमिंग आउट ऑफ अ सरफेस देर शुड बी अ डिक्रीमेंट ऑफ द चार्ज इन द सरफेस अगर हम डाइवर्जेंस थ्योरम को रिकॉल करें तो दैट सेज जे डॉट डी एस ओवर द ओवर द क्लोज सरफेस विल बी इक्वल्स टू डेल डॉट जे जिसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ जे डीवी ओवर द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम फॉर द करंट डेंसिटी किसी भी वेक्टर के लिए है यहाँ पे हमारा वेक्टर जो है हम करंट डेंसिटी का केस कंसीडर कर रहे हैं अगर हम इस इक्वेशन को यहां पे कंसीडर करें तो जे डॉट डी एस विल बी डाइवर्जेंस ऑफ जे डी वी डेट विल बी माइनस डी क्यू बाई डी टी अगर आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है रो वी और आप डिफ्रेंशियल वॉल्यूम डी वी के कंपेरिजन में अगर आप अपना टोटल चार्ज एनक्लोज कंसिडर करना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस डी बाई डी टी आप इस चार्ज को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंट्रीगेशन क्लोज वॉल्यूम इंट्रीगेशन ओवर एंड रो वी डी वी ये आपका चार्ज हो गया इस चार्ज को आप इस तरह से लिख सकते हैं अगर आप इस रिप्रेजेंटेशन को लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ जे डी वी विल बी इक्वल्स टू आपका ये जो टाइम वेरिएबल फंक्शन है दैट विल बी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर नेट चार्ज फ्लो हो रहा है तो आपकी जो चार्ज डेंसिटी है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है तो आप इसे ऐसे कंसिडर कर सकते हैं माइनस डीवी डी सॉरी डी बाय डी टी ओके ये अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो यहां पे ये देखिए ये है आपका क्लोज वॉल्यूम में इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ जे का यहां पे है क्लोज वॉल्यूम इंटीग्रेशन माइनस रोवी बाई डी टी का अगर आप इन्हें कंपेयर करते हैं तो आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं डी टी जो आपका करंट डेंसिटी का डाइवर्जेंस है वो चार्ज डेंसिटी के डिक्रीजिंग रेट के अपोजिट डायरेक्शन में आपसे मान सकते हैं ओके okay? तो ये जो आपका कंक्लूजन आया है इसे हम पॉइंट फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं ओके कंटिन्यूटी इक्वेशन आप इसे बोलेंगे और ये जो आपका इनिशियल स्टेटमेंट जहां से आपने अपना ये कंक्लूजन शुरू किया था उससे आप इंट्रीगल इंट्रीगल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं तो कंटिन्यूटी इक्वेशन बेसिकली करंट डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी को को रिलेट करती है एग्जाम में बहुत बार आपसे स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं आपको कहा जा सकता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन कंटिन्यूटी इक्वेशन तो आपको ये छोटा सा राइटअप लिख के इस तरह से अपने कंक्लूजन को एक लैंग्वेज देनी होगी और आपसे कंटिन्यूटी इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन देके और तीन से चार आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं जिसपे आपको करेक्ट जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना होगा बहुत वैरायटी के साथ इस थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट पे आपसे प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है तो आई होप कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है ये किस तरह से ओरिजिनेट हुई और किस तरह से कंक्लूड हुई ये आपको समझ में आ गया होगा हम इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड का डिफरेंट मीडियम में जो इंफ्लुएंस है आ, उसको कंटिन्यू रखेंगे अब हमें कंडक्टर का स्पेसिफिक बिहेवियर और बाउंड्री कंडीशन को अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं की प्लानिंग कीप वॉचिंग थैंक यू